दोस्तों फरवरी इतना ठंडा चल रहा है कि पूरा धंधा मंदा हो गया है। आई मीन कोई बड़ी कंटेंट ही नहीं आ रही कि किस पे वीडियो बनाऊँ, कौन सा कंटेंट लाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर मैं सोचा कि मैं भी वैसा वीडियोस बनाना शुरू कर देता हूँ, एक्स वाई जेड मूवी का 58th डे कलेक्शन, 65th डे कलेक्शन, या फिर KGF के अंदर हुई जॉनी सिंस की एंट्री। लेकिन फिर भी छोड़ो, मैंने आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग खबरें न्यूज़ लाए जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो बिना टाइम खोटी मुँह में गोटी किए आपको पहला न्यूज़ सुनाता हूँ। शक्तिमान जो कि बड़े बजट की सुपर हीरो फिल्म होने वाली, जो कि ट्रायलॉजी रहेगी, जिसको डायरेक्ट करने वाले मिनल मुरली के डायरेक्टर बसिल जोसेफ, अब यहां पर फाइनलाइज हो गया है कि कौन शक्तिमान बनेगा। एंड शक्तिमान बनने वाले हमारे बॉलीवुड के वाइग्रा मैन यानी कि रणवीर सिंह। अब देखो कास्टिंग तो सही ही है, और अगर ना भी हो तो कौन सा हमारा कोई सुनने वाला है। ये घाघरा वाला छोकरा Dawn 3 कर रहा है, उसमें छोटा डॉन बना है और उसकी शूटिंग शुरू होने वाली अगस्त से। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, हमारा तो हमारे एरिया के नगर सेवक नहीं सुनते, तो फिल्म वाले क्या घंटा सुनेंगे? इसलिए जो आ रहा है अगर अच्छा निकला तो देख के मजा लेंगे, नहीं निकला तो हम मजा लेंगे उनकी। बट फिर भी रणवीर सिंह शक्तिमान के लिए परफेक्ट है, क्योंकि फिल्म चले या ना चले लड़का उड़ता अच्छा है, और अब तो और उड़ने लग गया जब से उसने जॉनी सिंस के साथ वो टावर में पावर वाला ऐड किया है। मैं तो बोलता हूँ शक्तिमान को साइड में रखो, पहले उस ऐड का सीक्वल निकालो और दोनों को आपस में भिड़ाओ, देखना क्या ही पावर जनरेट होता है। वही दूसरी न्यूज ये है कि इंटरनेशनल एक्टर फ्रॉम चीप लेवल यूनिवर्सिटी से अर्जुन कपूर का फाइनली एक पोस्टर में एक्सप्रेशन नजर आ गया, जहां पर वो Singham 3 में एज अ विलेन बने हैं। तो उसका एक पोस्टर आया है, एंड उस पोस्टर में भाई साहब जो लेवल का उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन ने मानो सोशल मीडिया पे हिला के रख दिया। मतलब वो बंदा ऐसा हंस रहा है ना, मानो कि वो हम पे हंस रहा है कि देखो सालो, 20-22 फ्लॉप फिल्मों देने के बाद भी मैं बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा हूं, तो तुम एज एन ऑडियंस 10-15 हजार की ही जॉब डिजर्व करते हो सालो। बट बताए अर्जुन कपूर के केस में सीन क्या है कि बंदा अगर बेकार एक्टिंग करेगा तो घंटा किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो अच्छी एक्टिंग कर दिया तो सबको गंगा नहाना पड़ेगा या फिर कुछ लोग तो गुजर जाएंगे देख के। वही इस हफ्ते Deadpool 3 का टीजर भी आता है ना, आप लोग बोल रहे थे सूरज भाई इसका रिव्यू दो, रिएक्शन दो। तो भाई साहब देखो, मेरे को झाट कोई नॉलेज नहीं है, एंड कूल बनने का अपने को आदत कभी था ही नहीं, वरना आप ही लोग सोचो ना, मैं Deadpool 3 का टीजर रिएक्शन कर रहा हूं और एंड में मैं बोलता हूं कि अब देखो बैटमैन आएगा बैटमैन, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वैसा ऐसा किसी यूट्यूबर ने कहा है, आप लोग देखना। उसके बाद एक और न्यूज आती है कि यश की जो फिल्म है टॉक्सिक, उसमें शाहरुख खान का कैमियो होने वाला था, अब वो कैंसिल हो गया। भाई ऐसा तो पहले कभी कुछ था ही नहीं, तो कैंसिल क्या घंटा होगा कुछ, सब अंधे घोड़े फौज में दौड़े जैसा न्यूज छाप दिए थे, बट ऐसा कुछ था ही नहीं दोस्तों। वहीं आखिरी और इंटरेस्टिंग खबर यह है कि अक्षय कुमार वापस से रीमेक करते हुए एक अपनी अपकमिंग फिल्म का अनाउंसमेंट करते, जिसका मैं वीडियो देखता हूं, जिसका नाम है सरफिरा, जो कि ऑफिशियली तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म सुरारई पोत्रू का रीमेक है। एंड देखो ये अनाउंसमेंट वीडियो देखा तो मेरे को कोई बेकार वाइब तो नहीं आया, दोनों के डायरेक्टर भी एक ही है, तो यहां पर अगर अक्षय कुमार ने एयरलिफ्ट मूवी वाला इमोशन इस फिल्म में रख दिया तो 200% चांस है कि ये फिल्म कनेक्ट कर देगी वापस में, एंड आराम से चल सकती है थिएटर में आराम से। ऊपर से सूर्या का कैमियो भी है इस फिल्म में, बाकी सुधा कोंगरा से पूरी उम्मीद है, बस अक्षय कुमार उनके हिसाब से काम कर दे तो भाई साहब काम बन जाएगा। बाकी न्यूज यही खत्म होती है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अगला भी एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, तब तक भाई को सब्सक्राइब भी कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।